जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है वृद्धाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में बीपीएल की सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम करके 1,20,000 रुपए वार्षिक से 17 लाख अन्य परिवार इस योजना के पात्र बन गए हैं। इन सबके भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वृद्धावस्था समान भत्ता अक्टूबर 2014 में 1,000 रुपए मासिक था, जो कि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक हो गया। वर्ष 2014 में हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन भत्ता लाभार्थियों की संख्या 13 लाख थी, जो अब बढ़ाकर लगभग 18 लाख हो गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बुढ़ापा पेंशन को 3,000 रुपए मासिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है, वैसे तो प्रदेश सरकार की दर्जनों उपलब्धियां हैं, जिसका जिक्र किया जाए तो उन्हें सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है, प्रदेश की सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए है, जो कि आईडी यानी परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है, जिसके साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था समान भत्ता को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। अब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र क्षेत्र ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।